टू माई चैनल एबीरॉक्स टीम्स। तो भी एक मैच होने वाला है स्पेन वुमेन्स वर्सेस फिनलैंड वुमेन के बीच 3 घंटे 7 मिनट के बाद। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं करें, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। चलते हैं आगे, बात करें अगर हम इस मैच की, तो स्पेन और फिनलैंड में नेचुरली स्पेन टीम स्ट्रॉन्ग है, रैंकिंग में टॉप 10 पे बैठी है भाई टीम। टॉप 10 पे कोई टीम होना बहुत बड़ी बात है। ऊपर से अगर मैं फिनलैंड की बात करूँ, फिनलैंड मानता हूँ टॉप 30 के अंदर है, लेकिन जीतने का दम चाहिए, क्योंकि फिनलैंड वुमेन जो टीम है उनके अंदर स्ट्राइकर नामी गामी नहीं है, ये तो खेलती रहती हैं। जैसे आप ले लो, मैं आपको कैसे एग्जांपल दूं यार, मैं आपको बताता हूँ। एक ना डोमेस्टिक लीग होती है, जैसे कि हमारा फुटबॉल में प्रीमियर लीग हो गई, बंडसलीगा लीग हो गई, ये हो गई वो हो गई, तो वो एक तरह जैसे हमारे क्रिकेट में डोमेस्टिक लीग होती है, वैसी फुटबॉल में भी उसको डोमेस्टिक लीग कहा जाता है, जिसके अंदर प्रैक्टिस लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसलिए इनको एक्सपीरियंस इनका इतना ज़्यादा होगा स्पेन की वुमेंस का कि आई थिंक मैं आपको बता नहीं सकता। बात करें गोलकीपर की, पहली प्लेयर है टी रिका कॉर्पेला इज़ अ नॉर्मल प्लेयर, और एक्चुअली यही लेनी पड़ेगी, आपकी मजबूरी भी है और साथ ही साथ आपको इसके साथ जाना भी पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि आप चाह कर भी कोई और प्लेयर नहीं ले सकते, क्योंकि आपको स्पेन की आगे से मेन प्लेयर्स लेनी है। अभी तो अगर मेरे पास और ऑप्शन होती तो मैं स्पेन की 2 प्लेयर और उठाना चाहता था, लेकिन कैसे, ये तो बस हम सपने में ही सोच सकते हैं, क्योंकि 7 प्लेयर मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। और हाँ, एक और बात भी बतानी थी कि ये टीम ओपन आएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जाओ लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में। बढ़ते हैं आगे, बात करें डिफेंडर की, एक प्लेयर है यहाँ पर काफ़ी मेन, जिसका नाम है एरेना पैरेट्स। तो कई लोगों को लग रहा होगा कि मैं इसको ड्रॉप करके बड़ा खुश हूँ, लेकिन यू आर रॉन्ग, मैं इसको ड्रॉप करके खुश नहीं हूँ भाई। मैं इस प्लेयर को लेना चाहता था, लेकिन अगर आपने इसको लेना है तो आपको इनकी मेन प्लेयर फिनलैंड की वो छोड़नी पड़ेगी, जो कि वो भी रिस्की है एंड इसको भी छोड़ना रिस्की है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न का पहाड़ बन जाता है दिमाग पर। इसलिए भाई, अब ये आप पे डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप हेरनन को लेना चाहते हैं या पैरेट्स को, क्योंकि पैरेट्स असिस्ट रेशियो अच्छा है और हेरनन का इस सीजन का गोल रेशियो थोड़ा ठीक था, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज। इसलिए अगर आप लेना चाहें तो आप पैरेट्स को ले सकते हैं, और नीचे से इनकी एक प्लेयर खेलती है हैरम, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अभी चेंजेस होंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है, अगर कोई भी चेंज होता है आपको टीम मिल जाएगी। एल होबी की बात करें, मानता हूं कई लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूट जल्दी हो जाती है कभी कभी, लेकिन भाई उसका रिकॉर्ड तो देखो, सबसे ज्यादा असिस्ट करने वाली स्पेन की वुमन है ये, सबसे ज्यादा असिस्ट करने वाली स्पेन की वुमन डिफेंडिंग ऑप्शन में, मान गया मैं ओहाबी की प्लेइंग को। एंड हैरियम को मैंने सिर्फ सेव किया है, इसके बारे में कुछ खास नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसको लेने का कोई मकसद नहीं है मेरा, मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ लाइनअप्स की, ठीक है, कि क्या करना है। और आगे से बात करें टॉप स्ट्राइकर मैरियोना, आपको लग रहा होगा मैंने स्ट्राइकर क्यों बोला, लेकिन ये मैंने जान के बोला, ये स्ट्राइकर ही है, ये मिडफील्डिंग नहीं करेगी, ये आज भी स्ट्राइकिंग करेगी, लिखवा लो मेरे से, ठीक है। तो ये एक स्ट्राइकर है, इसको स्ट्राइकर के नज़रिए से देखो तो मैरियोना को क्या खेलने का तरीका है, मतलब अगर ये फील्ड पे है तो मज़ा है, तो मजाल है भाई कि गेंद निकल जाए, मतलब सही बता रहा हूँ। एंड प्यूटल्स को इस सीज़न अवार्ड मिला था द बेस्ट प्लेइंग का, तो अलेक्सिया प्यूटल्स उस अवार्ड के बाद मिलने के बाद हो गई इंजर्ड, अब बेचारी रिकॉर्ड बना नहीं पा रही। अब मुझे पता नहीं कि इसी इंजरी ख़त्म हो गई है कि अभी भी है, क्योंकि अगर ये अभी भी इंजर्ड है फिर तो खेलेगी नहीं, लेकिन अगर अभी इंजर्ड नहीं है फिर तो इसका दबाव रहेगा सामने वाली टीम पे। और मैं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के 3 ऑप्शन दूंगा, जिसको आप एज अ बैकअप स्मॉल लीग टीम में ट्राई करोगे, ठीक है, लास्ट में दूंगा। और आगे से बात करें एविलियाना, जिसने फिनलैंड के लिए बहुत कुछ किया है, फिनलैंड वुमेन फुटबॉल टीम के लिए इसने काफ़ी कुछ अच्छा प्रदर्शन भी देखने को मिला है। एंड बॉनमती की बात करें, बॉनमती कैन डू गोल टुडे, क्योंकि ये शुरू से एक अपनी टीम की प्लेयर रही है, क्योंकि बॉनमती को ड्रॉप करना मेरे लिए तो बहुत बेकार रहा है, मैं जब जब इसको ड्रॉप करता हूँ ये गोल करती है जब भी, और ये मैं एक बार नहीं 4 बार अपना चुका हूँ मैं ये स्मॉल, ये मैं डोमेस्टिक लीग में मैं बॉनमती को जब छोड़ता हूँ उस दिन इसका गोल होता है। इसलिए भाई मैं इसे छोड़ने नहीं वाला, मैं तो इस प्लेयर को लेऊंगा भाई, क्योंकि मैं हारना नहीं चाहता है। आगे से बात करें एल गार्सिया की, लुसिया गार्सिया इस सीज़न द हा, आखिरी के 4 मैच पे कंसिस्टेंसी पे गोल पे गोल, गोल पे गोल, असिस्ट पे असिस्ट करती जा रही है, जबकि ई गोंजालेस नामी घामी प्लेयर उसको भी डाउन कर दिया है, जबकि ई गोंजालेस बहुत नामी घामी प्लेयर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर ई गोंजालेस के बजाय नीचे से अगर एम्यूर खेलेगी तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, क्योंकि एम्यूर इस सीज़न फॉर्म में है, ई गोंजालेस फॉर्म में नहीं है। गोल तो चलो कर सकती है, लेकिन फॉर्म जो होती है ना एक वुमेन की, जो एक प्लेयर की, वो नहीं है। एंड एंगमैन की बात करें, यहाँ पर एडेलिना एंगमैन, क्या होता है कि जैसे कल भी हम फेवर में थे प्रॉपर अपने किसके थे, नॉर्वे के, तो सामने नॉर्थन आयरलैंड ने गोल कर दिया था एक, चलो गोल का नुकसान नहीं हुआ लेकिन गोल हुआ, ठीक है,
गोल हुआ तो मैं ये नहीं चाहता कि आज भी सामने वाली टीम गोल करे और आपकी टीम में प्लेयर ना हो, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप हैंगमैन को लेके जाएं। बाकी और भी काफ़ी प्लेयर्स हैं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि अगर ये खेली तो आंख बंद करके इसे ले लेना। ये इतने गोल करती है कि कंसिस्टेंसी में कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसने एक मैच में 4 गोल कर दिए थे एक बार, ठीक है। और एल गर्शिया, जिसको आप हल्के में ले रहे हो, इसने एक मैच में 5 असिस्ट कर दी थी, इसी सीज़न की बातें हैं ये। और ये मेरियोना, इसने तो क्या खेल किया था, 2 गोल 4 असिस्ट, ये इस सीज़न के हाईएस्ट रिकॉर्ड्स। प्यूटल्स पेनल्टी टेकर है, कभी कभी पेनल्टी या 1-2 असिस्ट कर ली या 2 गोल कर दिए, 1-2 गोल, ये नॉर्मल प्लेयर है। और बॉनमती की प्लेयर है, ठीक है। आगे से बात करें कैप्टन की, कैप्टन है मेरियोना, वाइस कैप्टन है एल गर्शिया। ये मेरी कुछ रेयर सी टीम है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की लग रही होगी दिखने में। सेफ जाना है तो चले जाओ, मैं सेफ जाने का तरीका बता देता हूँ। देखो, आपके पास वाइस कैप्टन की 3 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन मेरियोना, अगर आप इसको कैप्टन नहीं रखते, वरना ये तो मेरी कैप्टन है, इसे छोड़ दो। दूसरी प्यूटल्स, प्यूटल्स है सेफ ऑप्शन और प्यूटल्स पे भरोसा है मुझे बहुत ज़्यादा। मुझे डाउट है आज ये 70% गोल मारेगी, लेकिन अब बात आती है रिस्क की। रिस्क कहाँ है, तो रिस्क यहाँ है, तो ठीक है, ये रिस्क है। यहाँ पर वाइस कैप्टन इसे रख रो, और एल गर्शिया अगर सब्स्टिट्यूशन से पहले 1-2 गोल भी कर जाती है देन आपकी तो निकल पड़ी, आप जीत गए फिर, अगर इसने गोल कर दिया 1-2। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।